हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और वो अपने अकाउंट का बैलेंस बार बार चेक करना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसा माध्यम मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप दिन में जितनी बार चाहें अपने अकाउंट के बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स का ब्यौरा भी मिल जाएगा, जैसे कि कुछ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स होंगी 5 या 10 ट्रांजेक्शन्स के आसपास जिनका डाटा आपको मिलता रहेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कौन सा एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे और उसके माध्यम से हम किस तरीके से अपने अकाउंट के बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचने के बाद में सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है SBI क्विक। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा जब आप बैंक जाते होंगे। इसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। ये 3 से 4 MB का फाइल होता है और 10 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो जाता है। देखिए, ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप ओपन पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये इस एप्लीकेशन का होम स्क्रीन है। इसमें आप सबसे पहले जाएंगे अकाउंट सर्विसेज में, जो फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें जाने के बाद में आपको करना होगा अपने अकाउंट का रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के सामने मैसेज आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएगी। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करके, मैंने अपना अकाउंट नंबर इसमें टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के जस्ट बाद आपको ये मैसेज बॉक्स में ले जाएगा, जहाँ से इस मैसेज को आपको सेंड करना है। लेकिन सेंड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये मैसेज उसी नंबर से सेंड करना है जो नंबर आपने अपने बैंक में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने SIM2 वाला नंबर अपने बैंक में दिया हुआ है, तो मैं इस मैसेज को SIM2 से सेंड करूँगा। ये देखिए, मैंने सेंड कर दिया है। सेंड करने के तुरंत बाद मैं इनबॉक्स में जाऊँगा। इनबॉक्स में मेरे को 3 से 5 सेकंड के अंदर एक रेस्पॉन्स मिलेगा मैसेज के थ्रू। तो देखिए, रेस्पॉन्स आ चुका है, आपको मैसेज आ चुका है। मैसेज में लिखा हुआ है, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटीज़। इसका मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। हम वापस ऐप में जाएंगे। ऐप में वापस आने के बाद में अब हमको जैसे कि अपने बैलेंस की इंक्वायरी करनी है, तो देखिए बैलेंस इंक्वायरी लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन। इसके सामने 2 आइकन बने हुए हैं, कॉलिंग और मैसेजिंग का। कॉलिंग से आप मिस कॉल करके, आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे तो आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा मैसेज के थ्रू, जिसमें आपका बैलेंस लिखा हुआ आएगा। और मैसेज के थ्रू जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, सेम वही प्रोसेस है। मैसेज पे क्लिक करेंगे, मैसेज आइकन पे, उस आपको मैसेज टाइप हुआ मिलेगा ऑलरेडी, और उसको बस जस्ट सेंड करना है रजिस्टर्ड नंबर से। मैंने सेंड कर दिया और इनबॉक्स में मेरे को तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा मैसेज के थ्रू। देखिए, मेरा अवेलेबल बैलेंस डेट और टाइम के साथ में आपके सामने है। बढ़ते हम नेक्स्ट स्टेप पर। अब जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको लास्ट आपके लेटेस्ट 5 ट्रांजेक्शन्स देखने हैं, तो देखिए सामने लिखा हुआ है मिनी स्टेटमेंट, ये तीसरा ऑप्शन है। इसके सामने भी आइकन बना हुआ है, एक कॉलिंग का और एक मैसेजिंग का। तो देखिए, कॉलिंग पे तो आप मिस कॉल के थ्रू ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रेस्पॉन्स आएगा जैसे कि बैलेंस का रेस्पॉन्स आया है। और मैसेज के थ्रू जाना है तो आपको देखिए मैसेज पर क्लिक करना है जस्ट ऐसे ही, और SIM2 से जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है बैंक में, इससे मेरे को ये मैसेज सेंड करना है। मैसेज सेंड करते ही इनबॉक्स में मैं जाऊँगा। इनबॉक्स में मेरे को मैसेज आएगा, मेरे 5 लेटेस्ट 5 ट्रांजेक्शन्स। इसमें देखिए मेरे को बैलेंस तो बताया ही है उसने, साथ ही में जो लेटेस्ट मेरे 5 ट्रांजेक्शन्स है, जो भी मैंने डेबिट या क्रेडिट किया है, उनका भी मेरे को डिटेल इसने सेंड कर दिया है। आप घर बैठकर चंद सेकंड में अपने अकाउंट के बैलेंस की जानकारी कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।